पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतहाई सख्त फैसला, हामिद मीर के बयान ने हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज SCO समिट से खिताब किया, जिसमें बार बार उन्होंने गजा और फलस्तीन के मसले पर बहुत खुलकर बात की और इतलात ये हैं कि पाकिस्तान वापस आने के बाद वो कुछ अहम नेशनल सिक्योरिटी के मामलों पर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते हैं। हामिद मीर ने कहा कि एक तरफ तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है और दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत उसकी कैबिनेट ने हाल ही में एक फैसला किया है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतहाई सख्त इकदामात किए जा सकते हैं और इसमें पार्टी पर पाबंदी और पार्टी की लीडरशिप पर गद्दारी के मुकदमात कायम करने की तजवीज भी शामिल है। हामिद मीर ने मजीद कहा कि अब सवाल यह है कि अगर एक तरफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तजवीज है, तो ये दोनों मामलात साथ साथ कैसे चलेंगे।